हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फैशन मिक्स फैशनेबल। फ्रेंड्स, अगर आप अगर एम्ब्रॉयडरी वाला अगर कोई भी गाउन बनाना चाहते हैं, अगर आपको आइडियाज़ चाहिए तो इसमें देखिएगा, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइंस दिए गए हैं। आप उससे आइडिया ले सकते हो एंड अपना गाउन है डिज़ाइनर या फिर लहंगा बनाना चाहते हो तो इससे बना सकते हो। इस तरह के फैब्रिक मार्केट में मिल जाती है, वो भी रिजनेबल प्राइस में। फ्रेंड्स, अगर आपको इस तरह के गाउन बनाना है जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, तो आप आसानी से घर पे ही बना सकते हो। अगर आपको स्टिचिंग आती है तो खुद बना सकते हो, अगर नहीं आती है तो इससे आइडिया लेकर के या फिर आप इसे स्क्रीन शॉट लेकर के आप अपने टेलर्स को दिखा के भी डिज़ाइन तैयार करवा सकते हो। फ्रेंड्स, अगर इस तरह के डिज़ाइन बनाने हैं तो उसके अंदर साटन या फिर टापेटा फैब्रिक जो होती है, उस तरह के फैब्रिक का लाइनिंग डलवाएँ, क्योंकि उससे जो आपके गाउन को जो है वो हैवी लुक देता है और वो बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। इस तरह के फैब्रिक के जो है आप गाउन बना सकते हो, लहंगा बना सकते हो, क्योंकि बहुत अच्छे लगते हैं और पार्टीवेयर लुक देता है। इस तरह के अगर फैब्रिक का अगर आप मार्केट में ख़रीदोगे तो वो बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होता है। अगर आप बनाना चाहते हो तो आप अपने बजट के अकॉर्डिंग भी बना सकते हो। फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक देखिएगा, इसमें और अच्छे अच्छे डिज़ाइंस दिए गए हैं। आप आइडिया ले सकते हो या फिर आप फुल स्लीव बनवा सकते हो। फ्रेंड्स, अगर आप जब भी फुल स्लीव बनवाएं, अगर ज़्यादा हैवी एम्ब्रॉयडरी किया हुआ है तो आप उसका जो स्लीव्स बनवाएं तो हमेशा उसी से मैच करता हुआ प्लेन फैब्रिक का ही बनवाएं, प्लेन नेट का ही, क्योंकि अगर ज़्यादा हैवी वर्क रहता है तो वो आपको चुभता है और फिर आप अनकम्फर्टेबल फील करोगे पहनने में। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।